हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू पाइथन सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम टाइप फंक्शन का यूज करके किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप पता लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल डेटा टाइप्स इन पाइथन। हम हर एक डेटा टाइप के बारे में यहाँ पे जानेंगे, हर एक डेटा टाइप को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, देयर सिंटैक्सेस, देयर यूजेस, इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसी के साथ हम टाइप फंक्शन को भी यहाँ पे समझेंगे, टाइप फंक्शन को हमें कैसे यूज करना चाहिए, और इंडेक्सिंग इन लिस्ट एंड स्ट्रिंग टपल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिक टाइप्स के बारे में। ये नंबर से रिलेटेड है और सबसे फर्स्ट आता है इसमें इंटेजर। इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं हम इंटेजर्स को बनाने के लिए। देन नेक्स्ट है फ्लोट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने मैथ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। इंट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप होता है। ये नंबर से रिलेटेड है और देखिए इसमें इंटीजर्स होते हैं, सिर्फ इंटीजर्स। अगर आपने मैथ पढ़ा होगा, आपको कुछ मैथ का नॉलेज होगा, तो आपको पता है कि इंटीजर्स होते क्या है। इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, आप कितना भी बड़ा इंटेजर बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ लिमिट आती है मेमोरी की। अगर आपके पास मेमोरी ही नहीं है तो आप बड़ा इंटेजर नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि अपनी जो रैम रहती है, मेमोरी बहुत बड़ी होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है, ये इन्फिनिटी से चल के आ रहा है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये पूर्ण अंक है, इन पूर्ण अंक को हम बोलेंगे इंटीजर्स। तो ये इंट डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, तो मैंने क्या किया, 180 वैल्यू लिखी और इसको असाइन कर दिया टारगेट वेरिएबल के साथ। तो ये टारगेट जो वेरिएबल है, ये इंट टाइप का वेरिएबल है, और ये जो वैल्यू है वो इंट टाइप की वैल्यू है। तो हम इस वेरिएबल को बोलेंगे इंट वेरिएबल, ये इंट टाइप का वेरिएबल है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डेटा डॉट पाई की एक फाइल बना के रखी है। कैसी बनानी है, इसका ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, जाइए वो देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक इंटेजर। इंटेजर मतलब एक पूर्ण अंक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10। तो 10 एक वैलिड इंटेजर है और एक वैलिड पाइथन स्टेटमेंट है। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन पे हिट करता हूँ, तो मुझे एज अ आउटपुट कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैंने एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा हमें कुछ आउटपुट दिखने के लिए। अब मैं रन करता हूं तो मुझे मिलेगा 10। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूं, उसके लिए मुझे टाइप फंक्शन मेरे पास है, सेव करता हूं। टाइप फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को पास करना है और उसे प्रिंट करना है, और ये देखिए मुझे मिल रहा है आउटपुट क्लास इंट। तो ये इंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। यहां पर हम टाइप डेटा टाइप एंड क्लास को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं फिलहाल के लिए। इसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में बताऊंगा, अभी के लिए आप डेटा टाइप एंड क्लास का इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो हम इसे क्लास भी बोलते हैं डेटा टाइप को। तो ये इंट क्लास का मतलब इंट डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट है 10। अब मैं इसे वेरिएबल देता हूँ, वेरिएबल का यूज करता हूँ 12। तो 12 एक इंटेजर वैल्यू है, -12 देता हूँ यहाँ पे, और ये जो है ये इन टाइप का वेरिएबल बन गया है। प्रिंट करता हूँ इसका डेटा टाइप, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो ऑटोमेटिकली -12 पास हो जाएगा, और -12 का टाइप इंट है तो हमें इंट प्रिंट करके मिलेगा क्लास इंट। इंटीजर्स के लेंथ पे कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी बड़ा इंटीजर भी बना सकते हैं कुछ इस तरह। ये देखिए मैं और भी बड़ा बनाता हूँ, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। देखिए इंडिया में जब हम किसी अमाउंट को लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। सपोज आपके कॉलेज की फीस आपको लिखनी है तो आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, आप यूज करते हैं ये कॉमा सिंबल का। बड़े नंबर्स के साथ ये अक्सर किया जाता है, लेकिन जब मैं पाइथन में इसे प्रिंट करूंगा तो 12,000 ये मेरा इंटेजर है, लेकिन जब मैं इसे रन करूंगा तो मुझे आउटपुट कुछ अलग ही आएगा क्योंकि पाइथन में कॉमा सिंबल का यूज होता है व्हाइट स्पेसेस के लिए। और देखिए यहाँ पे मुझे व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, तो हम कॉमा सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हम कुछ इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको कॉमा साइन का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज फ्लोट डेटा टाइप। अगर आपने सी, सी प्लस प्लस, जावा प्रोग्रामिंग करी है तो आपको पता होगा कि फ्लोट डेटा टाइप होता क्या है।
तो फ्लोट डेटा टाइप एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप होता है और इसको यूज किया जाता है फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का मतलब होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट है। जिस डेटा में डेसिमल पॉइंट होता है वो फ्लोट टाइप से बिलोंग करता है। तो ये एक्यूरेट होता है अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस तक ये एक्यूरेट होता है, बाद में उसे अप्रोक्सीमेट किया जाएगा। तो उसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह है 3.2, 4.0, 8.9, -12.4। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ ये आता है डेसिमल पॉइंट, तो जहाँ पे डेसिमल पॉइंट है वो डेटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, मैंने क्या किया 37.4 इस वैल्यू को असाइन कर दिया टेम्परेचर वेरिएबल के साथ। अभी टेम्परेचर वेरिएबल जो है वो बन जाएगा फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल, ये बन जाएगा फ्लोट टाइप का वेरिएबल एंड ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है 37.4। एक्सपोनेंशियल डेटा फॉल्स अंडर फ्लोट क्लास। अभी एक्सपोनेंशियल डेटा होता क्या है, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। एक्सपोनेंशियल डेटा को लिखने के लिए हम इस ई का यूज करते हैं, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। तो जो भी हम ई के लेफ्ट में लिखते हैं वो है मैंटिसा और ई के राइट में लिखते हैं वो है एक्सपोनेंट, मतलब पावर। तो 2 × 10⁷ ये कुछ इसका इक्विवेलेंट है, तो कुछ इस तरह 2 × 10⁷ एंड इस वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं डेटा वेरिएबल के साथ। जब भी हम कुछ इस तरह से लिखते हैं तो 2 ये है और उसके बाद इसका मतलब होता है, e का मतलब होता है 10 एंड इस 7 का मतलब होता है उसका पावर, 10 का पावर। 2 × 10⁷ इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और वो फ्लोट में रखी जाएगी, वो डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में रखी जाएगी और उसको असाइन कर दिया जाएगा इस वेरिएबल के साथ। तो डेटा वेरिएबल एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाता हूँ, इसे प्रिंट करना है मुझे, प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ। प्रिंट फंक्शन के अंदर मुझे देना है टाइप, क्योंकि मैं इसका टाइप भी चेक करना चाहता हूँ। रन करता हूँ, रन करने के बाद मुझे मिलेगा फ्लोट, डेफिनेटली फ्लोट मिलेगा, ये देखिए क्लास फ्लोट। तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये फ्लोट टाइप से बिलोंग करता है। अब मैं क्या करता हूँ, नम में एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नम नाम का और उसमें देता हूँ एक फ्लोटिंग वैल्यू, प्रिंट टाइप ऑफ दैट नम, सेव इट एंड ये देखिए मुझे फ्लोट क्लास मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक सैलरी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसमें देता हूँ एक्सपोनेंशियल डेटा। तो एक्सपोनेंशियल डेटा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होता है, 2 लिखा मैंने, मैं यूज करूंगा ई, आप यहाँ पे कैपिटल ई भी लिख सकते हैं, उसके बाद मैं दे रहा हूँ 3। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 10�³, 10�³ होता है 1000, मतलब 2 × 1000 जो आएगा 2000 और 2000 को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आउटपुट दिया जाएगा। अब मैं प्रिंट करता हूँ इस सैलरी को और उसी के साथ मैं प्रिंट करता हूँ इसका डेटा टाइप, टाइप ऑफ सैलरी, सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रन करता हूँ, ये देखिए मुझे 2000.0 मिल रहा है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और उसके बाद उसका डेटा टाइप भी देखिए फ्लोट आ रहा है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ए प्लस बी जे, मैथमेटिक्स में ए प्लस बी आई होता है, यहाँ पे जे होता है। अगर आपने मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। इसमें जो होता है ए जो होता है एक रियल पार्ट होता है, मतलब ये वाला, और ये बीजे जो होता है वो होता है एक इमेजिनरी पार्ट। ये प्लस साइन के बाद का जो पार्ट होता है जो जे के साथ जुड़ा है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये रियल पार्ट में कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, और बीजे में ये बी का वैल्यू इंटीजर और फ्लोट हो सकता है। तो उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, ये देखिए एग्जाम्पल 5 + 4j, तो 5 जो है एक रियल पार्ट है, 4 जो है एक इमेजिनरी पार्ट है, ये 4j। 2 + 3j लिखता हूँ, तो 2 + 3j एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है। अब इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ, रन करने के बाद इसका एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन 2 + 3j होगा, ये देखिए पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। और अब मुझे प्रिंट करना है इसका टाइप, टाइप चेक करना है, टाइप ऑफ, पास करता हूँ 2 + 3j।
सेव इट एंड रन, रन करने के बाद इसका टाइप आएगा क्लास कॉम्प्लेक्स। तो ये एक न्यूमरिक टाइप का डेटा टाइप है, इसको मैं वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकता हूँ। टाइप फंक्शन को यूज करने के बाद आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा, आप वो करके देखिए। टेक्स्ट टाइप्स, इसमें आता है स्ट्रिंग और कैर नहीं आता है। पाइथन में कैर नाम का कोई डेटा टाइप नहीं है जैसे वो एग्जिस्ट करता है सी एंड सी प्लस प्लस में। तो आपको यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग देखने को मिलेगा। जब भी आपको कैरेक्टर बनाना होता है पाइथन में तो आप उसे वन लेंथ की स्ट्रिंग बनाओगे, मतलब ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एक ही कैरेक्टर है। पाइथन में हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर बनती है एक स्ट्रिंग। जब भी हम किसी भी डेटा को इनक्लोज करते हैं कोट्स के अंदर तो वो बन जाता है स्ट्रिंग। यहाँ पे हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स का भी यूज करते हैं। ट्रिपल कोट्स का भी यूज किया जाता है फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग। जब भी आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखनी होती है तो आप ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। एग्जाम्पल मैंने क्या किया, हेलो ये डबल कोट्स के अंदर लिखा, और जो भी हम कोट्स के अंदर लिखते हैं पाइथन में उसे स्ट्रिंग बोला जाता है। तो ये हेलो एक स्ट्रिंग है और उसको मैंने असाइन कर दिया है नेम के साथ। तो नेम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है एंड हेलो स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू है। इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। एग्जाम्पल मैंने क्या किया, हेलो ये डबल कोट्स के अंदर लिखा, और जो भी हम कोट्स के अंदर लिखते हैं पाइथन में उसे स्ट्रिंग बोला जाता है। तो ये हेलो एक स्ट्रिंग है और उसको मैंने असाइन कर दिया है नेम के साथ। तो नेम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है एंड हेलो स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस इंडिया वर्ड को मैंने लिखा है डबल कोट्स के अंदर, ये एंड ये। तो जो भी डेटा मैं डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ उसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है पाइथन में, और इसे असाइन कर दिया है कंट्री वेरिएबल के साथ। तो कंट्री वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो पाइथन में स्ट्रिंग को इंडेक्स किया जाता है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्सिंग का मतलब होता है उसकी पोजिशनिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर बनती है एक स्ट्रिंग। तो उन कैरेक्टर्स का कुछ ना कुछ पोजीशन होता है, तो वो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं इन केस ऑफ दिस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, आई का इंडेक्स है 3, ए का इंडेक्स है 4। तो ये 1 से इंक्रीमेंट होती है और 0 से स्टार्ट होती है। पाइथन सपोर्ट्स निगेटिव इंडेक्सिंग आल्सो। तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव इंडेक्सिंग और ये है निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है फ्रॉम राइट साइड से, -1, -2, ये डिक्रीमेंट होता है बाय -1, -3, -4 एंड -5। तो ये आई का जो इंडेक्स है वो है 0 एंड -5, एन का जो इंडेक्स है 1 एंड -4, डी का इंडेक्स है 2 एंड -3, ये इसका पोजिशन है। स्ट्रिंग जो है बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इस पर हमें बहुत सारे वीडियोज़ की आवश्यकता है। तो उन वीडियोज में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इंडेक्सिंग क्या है और इसे कैसे यूज करना है। आपको जो भी कैरेक्टर एक्सेस करना है उसके लिए आप कुछ इस तरह से सिंटैक्स यूज करोगे। आपको सबसे पहले लिखना होगा स्ट्रिंग का नेम। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम आता है कंट्री। उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको देना है इंडेक्स नंबर। जो भी कैरेक्टर आपको प्रिंट करवाना है उसका इंडेक्स नंबर आपको देना है। आप पॉजिटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं एंड निगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है इस डी कैरेक्टर को। तो डी कैरेक्टर का इंडेक्स है 2 और -3 भी है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंडेक्स नंबर की जगह पर, उसको ब्रैकेट्स में दूंगा। ये ब्रैकेट स्लाइसिंग ऑपरेटर है, इसका भी कुछ अलग मीनिंग होता है। और ये कंट्री जो है मेरे स्ट्रिंग का नाम है। जब मैं ये लिखूंगा तो मुझे प्रिंट करके मिलेगा आउटपुट विंडो में डी। तो एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर नहीं है, एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ 1, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 1, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 5, क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए इस स्ट्रिंग को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। गाइस टाइम सेव करने के लिए मैंने ये कोड पहले से लिख के रखा है। मैंने यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स को क्रिएट किया है। ये देखिए, ये स्ट्रिंग 1 है और ये स्ट्रिंग 2, ये स्ट्रिंग 3 एंड ये स्ट्रिंग 4। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने यूज किया है डबल कोट्स और उसी के साथ टाइप फंक्शन का भी यूज किया है मैंने यहाँ पे। सेकंड स्ट्रिंग में मैंने यूज किया है सिंगल कोट्स, थर्ड स्ट्रिंग में मैंने यूज किया है ट्रिपल कोट्स, और फोर्थ स्ट्रिंग में मैंने ट्रिपल कोट्स यूज किया है कुछ इस तरह। जब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा और इसे रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में दिखाई देगा ऑल आर टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ट्रिपल कोट्स का जो यूज होता है वो होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए।
यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर मल्टीलाइन स्ट्रिंग देना चाहता हूँ, और उसके लिए अगर मैं यूज करूंगा डबल कोट्स कुछ इस तरह, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मैं कुछ इस तरह से दूंगा और रन करूंगा तो मुझे मिलेगा एरर, सिंटैक्स एरर, आपने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आप यूज करोगे ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स को लिखने के बाद अगर आप रन करोगे तो आपको ये दिखाई देगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये मल्टीपल लाइन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग के लिए आप यूज करोगे ट्रिपल कोट्स का। कुछ और भी बातें मैं बताना चाहता हूँ स्ट्रिंग के बारे में। तो मैं सबसे पहले इसे रब करता हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रिंग को क्रिएट करता हूँ। तो स्ट्रिंग में मैं मेरा नाम लिखता हूँ और मुझे क्या करना है, इसका अब लेंथ प्रिंट करना है। तो एक प्रकार का स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है और इसका कुछ लेंथ है। लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा लेन फंक्शन। पाइथन हमें लेन फंक्शन को प्रोवाइड करता है फॉर प्रिंटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसका लेंथ प्रिंट करने के लिए मुझे सिर्फ इसका वेरिएबल पास करना होगा। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, रन में मुझे दिखाई देगा 8। आउटपुट विंडो में 8 आ रहा है। देखिए 8 कैरेक्टर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 टोटल 8 कैरेक्टर से, और ये टोटल कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं, उनका काउंट प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह हम स्ट्रिंग का लेंथ काउंट कर सकते हैं पाइथन में। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एज नाम का, और उसमें देता हूँ 18। तो 18 जो है ये इंटेजर है, लेकिन इसको मैंने इनक्लोज किया है डबल कोट्स के अंदर, एंड जो भी मैं डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ वो होता है स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग है, ना कि कोई इंटेजर। जब मैं इसका टाइप प्रिंट करूँगा, प्रिंट टाइप ऑफ एज, तो मुझे स्ट्रिंग दिखाई देगा, ना कि इंटेजर। तो ये स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस शंतनु के जो कैरेक्टर से इस स्ट्रिंग के, उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं टी को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो टी का जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, मतलब एस का इंडेक्सिंग 0, एच का 1, ए का 2, 3 एंड 4, टी का इंडेक्स है 4। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट हमें देना है वेरिएबल का नाम, जो स्ट्रिंग का नाम है नेम, और उसके अंदर इस स्लाइसिंग ऑपरेटर देना है, और स्लाइसिंग ऑपरेटर के अंदर लिखना है मुझे इंडेक्स। तो इसका इंडेक्स है 4। जब मैं इसे सेव एंड रन करूंगा तो मुझे टी प्रिंट करके मिलेगा, ये देखिए टी। हम यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं। जब मैं -4 दूंगा तो -1, -2, -3 एंड -4, तो ये टी प्रिंट करके मिलेगा मुझे फिर से, क्योंकि ये टी का इंडेक्स है। तो फिर से टी आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह हम स्ट्रिंग को बना सकते हैं पाइथन में। चलिए अब नेक्स्ट डेटा टाइप को एक्सप्लोर करते हैं। गाइज अब बात करते हैं सीक्वेंस टाइप्स के बारे में। इसमें आता है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सेट, फ्रोजन सेट एंड रेंज। चलिए वन बाय वन इसे जानते हैं। लिस्ट इन पाइथन, लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक कलेक्शन होता है डिफरेंट डेटास का। यहाँ पे डिफरेंट डेटास का एक कलेक्शन होगा, एंड उन डेटास का कुछ भी डेटा टाइप्स हो सकता है। जब आप ग्रॉसरी शॉप में जाते हो तो आप एक लिस्ट क्रिएट करते हो, उस लिस्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये उसी तरह का लिस्ट होता है। लिस्ट को हम कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होता है। इसका मतलब जो एटम्स है लिस्ट के वो ऑर्डर्ड होते हैं, एंड ऑर्डर्ड होने के कारण हम यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। ये एक म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल होती है लिस्ट। अभी म्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है, म्यूटेबल पे हम सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि म्यूटेबल का मीनिंग होता है चेंजेबल। लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं एक बार क्रिएट करने के बाद। तो एक सीक्वेंस होता है ऑफ एटम्स, एंड इन एटम्स का कुछ भी डेटा टाइप्स हो सकता है। लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है? लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम एटम्स को लिखेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर और उन्हें सेपरेट करेंगे बाय कॉमास। तो गाइज मैंने ये लिस्ट बनाया है, इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज को पास किया है। फर्स्ट मैंने स्ट्रिंग दिया है, सेकंड मैंने फ्लोटिंग वैल्यू दिया है, थर्ड वन इज इंटेजर, फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स वैल्यू एंड फिफ्थ वन इज लिस्ट। जी हाँ, हम लिस्ट के अंदर लिस्ट दे सकते हैं, ये वैलिड है। देखिए लिस्ट के अंदर आप कौन सा भी डेटा दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसे मैंने असाइन कर दिया इस माय लिस्ट वेरिएबल के साथ। लिस्ट ऑर्डर्ड होने के कारण हम यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब होता है पोजिशनिंग।
तो हर एक एटम का एक पोजीशन होगा, उसे हम बोलेंगे इंडेक्स। तो फेसबुक का पोजीशन है 0। लिस्ट में भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 और ये इंक्रीमेंट होता रहता है 1 by 1। एंड जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है ये -1 से स्टार्ट होती है और ये डिक्रीमेंट होता रहता है। तो -1 से क्यों स्टार्ट होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग? अगर मैं इसे 0 से स्टार्ट करूंगा तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। तो पाइथन इंटरप्रेटर एलिमेंट्स को एक्सेस करते समय कंफ्यूज होगा, तो इसीलिए -1 से स्टार्ट होता है। इंडेक्सिंग का यूज करके हम लिस्ट के एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लिस्ट नेम लिखना है और इन ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स पास करना है। ये ब्रैकेट्स को हम स्लाइसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे एक्सेस करना है ये 300, ये इंटीजर वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट का नाम लिखूंगा, लिस्ट का नाम है माई लिस्ट और इन स्लाइसिंग ऑपरेटर के अंदर मैं दूंगा इंडेक्स। तो 300 का इंडेक्स है 2। जब मैं 2 इंडेक्स दूंगा तो मुझे ये प्रिंट करके मिलेगा 300। सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए इन ब्रैकेट्स का यूज़ करना है और इसके अंदर आपको देने हैं एटम्स। तो सबसे पहले मैं मेरे कंट्री का नाम देता हूँ, उसको सेपरेट करना है यूजिंग कॉमा। तो एक इंटेजर वैल्यू देता हूँ, उसके बाद एक फ्लोटिंग वैल्यू देता हूँ और उसके बाद मैं एक लिस्ट देता हूँ इसके अंदर और उसमें भी 1, 2, 3 पास करता हूँ और कॉमा देकर और एक एलिमेंट लिखता हूँ, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर 2+3j। तो ये बन जाएगा एक लिस्ट। अब इसे असाइन करना है मुझे किसी वेरिएबल के साथ। असाइन करने के लिए आपको इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है और लिस्ट का नाम देता हूँ माय लिस्ट और ये बन जाएगा लिस्ट। अब मुझे इस लिस्ट को प्रिंट करवाना है। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं इस वेरिएबल को पास करूँगा, सेव इट एंड रन, आपको लिस्ट प्रिंट करके मिलेगा। तो ये देखिए एक लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब मुझे इसका टाइप चेक करना है, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप फंक्शन का यूज करना है, टाइप ऑफ, और उस वेरिएबल को पास करना है माय लिस्ट, सेव इट एंड रन, आपको यहाँ पे दिखेगा क्लास लिस्ट। लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। तो मुझे एक्सेस करना है इस 20.5 वैल्यू को, तो इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैं इंडेक्सिंग का यूज कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, माय लिस्ट, लिस्ट का नाम लिखना है, ब्रैकेट्स के अंदर देना है मुझे उसका इंडेक्स, उसका इंडेक्स है 2। अब मुझे इसे प्रिंट करना है, बस प्रिंट माय लिस्ट एंड इंडेक्स दिया है मैंने 2। तो 2 इंडेक्स पे कौन सा आइटम है, 20.5, एंड मुझे 20.5 प्रिंट करके मिलेगा। मैंने बोला था कि लिस्ट म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं एक बार क्रिएट करने के बाद। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट के एटम को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, लिस्ट का नाम लिखना है, ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो एलिमेंट चेंज करना है, जो एटम चेंज करना है उसका इंडेक्स लिखना है, बाद में असाइन करनी है न्यू वैल्यू। तो मैं 20.5 को चेंज करना चाहता हूँ विथ वैल्यू 40.5 और फिर से मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट माय लिस्ट, सेव इट एंड रन। तो यहाँ पे आपको लिस्ट चेंज करके मिलेगी। ये देखिए 2 इंडेक्स जो था वहाँ पे जो एलिमेंट हो गया है वो है 40.5। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिए डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। गाइज अब बात करते हैं टपल के बारे में। इसे कुछ लोग ट्यूपल भी बोलते हैं। तो टपल क्या होता है, टपल एक लिस्ट के जैसा ही एक डेटा टाइप है, वो कलेक्शन होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स का। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है टपल एंड लिस्ट में, वो है लिस्ट आर म्यूटेबल एंड टपल्स आर इम्यूटेबल। एक बार टपल को क्रिएट करने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चेंजेस करने की कोशिश भी करोगे तो आपको आ जाएगा एरर। तो एक ऑर्डर्ड होता है, मतलब यहाँ पे आप इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। टपल को क्रिएट कैसे करना है, टपल को क्रिएट करने के लिए आपको इस पैरेंथेसिस का यूज करना है एंड पैरेंथेसिस के अंदर आपको एटम्स को पास करना है एंड उन्हें सेपरेट करना है विद कॉमा। तो ये टपल का एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, पैरेंथेसिस के अंदर एटम्स को लिखा है एंड उन्हें सेपरेट किया है विद कॉमास। तो यहाँ पे आप कौन सा भी डेटा यूज कर सकते हैं और मैंने इसे असाइन कर दिया है टी वेरिएबल के साथ। चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये टपल मैंने बना के रखा है, इसका टाइप मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, टाइप ऑफ टी। जब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे मिलेगा क्लास टपल। अब मैंने बोला था कि टपल इम्यूटेबल है, यही एक डिफरेंस है लिस्ट एंड टपल में।
इसका मतलब क्या है? जब मैं टपल के एलिमेंट्स को चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो मैं यहाँ पे हेलो को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इसका इंडेक्स है 2, तो मुझे देना है इंडेक्स, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो मेरी न्यू वैल्यू है, तो हेलो की जगह पर मैं देना चाहता हूँ मेरा नाम, एंड फिर से मैं टपल को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टी, सेव इट एंड रन, तो आपको एरर मिलेगा। ये देखिए, आपको एरर मिलेगा, टाइप एरर, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो आप इसके एलिमेंट्स, इसके आइटम्स चेंज नहीं कर सकते एक बार क्रिएट करने के बाद। सो टपल इज इम्यूटेबल, ये अनचेंजेबल है। आप आइटम्स को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते यूजिंग इंडेक्सिंग, वो आप करके देखिए, आपको पता है कि वो कैसे करना है। चलिए बात करते हैं डिक्शनरी के बारे में। तो डिक्शनरी अनऑर्डर कलेक्शन होता है, अनऑर्डर सेट होता है की वैल्यू पेयर्स का। अनऑर्डर होने के कारण हम इसमें इंडेक्सिंग का यूज नहीं कर सकते। तो की जो होती है उसका डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं इंटेजर, फ्लोट, एंड जो वैल्यू होते हैं उनका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। डिक्शनरी को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं की वैल्यू पेयर्स का, और उन्हें सेपरेट करते हैं कॉमा से, और उनको लिखते हैं ब्रेसेस के अंदर। इन ब्रेसेस के अंदर हम की वैल्यू पेयर्स लिखते हैं और उन्हें सेपरेट करते हैं यूजिंग कॉमा, एंड इसको मैंने असाइन कर दिया है यहाँ पे डी वेरिएबल के साथ। तो डी वेरिएबल एक डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे सचिन जो है वो एक की है, और 100 जो है उसने कितने रन मारे हैं ये एक वैल्यू है। कोहली एक की है, 90 एक वैल्यू है। धोनी एक की है, 80 एक वैल्यू है। यहाँ पे मैंने डिक्शनरी को बना के रखा है। मैंने क्या किया है, इस ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट किया है हर एक की वैल्यू पेयर्स को। तो इसका की ये है, रोहन एक की है और ये इसका वैल्यू है, आदित्य एक की है और ये इसका वैल्यू है, और नेहा एक की है और ये इसका वैल्यू है। ये वैल्यूज़ का मतलब मैं यहाँ पे रखूँगा कि ये उनकी फ़ीस है, ये स्टूडेंट्स है और ये उनकी फ़ीस है, और इसको मैं असाइन कर रहा हूँ डी वेरिएबल के साथ। अब मैं सबसे पहले प्रिंट करूँगा इसका टाइप। चलिए इसका टाइप सबसे पहले देखते हैं, टाइप ऑफ डी, सेव इट एंड रन। रन करने के बाद मुझे टाइप मिलेगा, ये देखिए डिक्ट मिल रहा है। डिक्ट स्टैंड फॉर डिक्शनरी, तो क्लास जो आ रहा है डिक्ट आ रहा है। मैं और भी ऑपरेशंस कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखता हूँ डिक्शनरी का नाम, और ब्रेसेस के अंदर मुझे देना है की। जब ये आदित्य मुझे पूछने आएगा कि मेरा फीस कितना बाकी है, तो मैं सिर्फ ये टाइप करूँगा और सेव करके रन करूँगा। रन करने के बाद आदित्य की जो फीस है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगी, 50,000। तो आदित्य को पे करने हैं 50,000 रुपीज। तो इस तरह हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं यूजिंग कीज इन डिक्शनरी। सेट, तो सेट क्या होता है, एक अनऑर्डर कलेक्शन होता है यूनिक आइटम्स का। यहाँ पे मैं यूनिक यूज कर रहा हूँ, तो आइटम्स जो होंगे वो यूनिक होंगे, रिपीटेड आइटम्स यहाँ पे नहीं चलेगा। आइटम्स आर रिटन इनसाइड दिस ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। तो आपको ब्रेसेस के अंदर आइटम्स लिखने हैं और उन्हें सेपरेट करना है कॉमास से। आइटम्स आर नॉट इन ऑर्डर, जैसे ऑर्डर में आप लिखोगे आइटम्स को वैसा वो प्रिंट नहीं होगा, वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, और ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है इसके कारण हम इसे इंडेक्सिंग भी नहीं दे सकते। तो ये मैंने एग्जांपल लिखा है, आपको क्या करना है, ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को सेपरेट करना है यूजिंग कॉमास, और मैंने इसे असाइन कर दिया है ए वेरिएबल के साथ। तो ए वेरिएबल सेट टाइप का एक वेरिएबल है और ये सेट टाइप की एक वैल्यू है, तो इसमें रिपीटेड डेटा नहीं चलेगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ये मैंने सेट को क्रिएट किया है। सेट में आप कुछ भी एलिमेंट्स दे सकते हैं, कौन सी भी डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स आप दे सकते हैं, लेकिन वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए। अगर वो रिपीटेड होते हैं, यहाँ पे मैंने रिपीटेड दिए, ये देखिए 3 मैंने 3 टाइम्स दिया, 4 मैंने 4 टाइम्स एंड 2 मैंने 2 टाइम्स दिया है। अब मैं प्रिंट करता हूँ इसे, प्रिंट नम्स, सेव एंड रन। सेव एंड रन करने के बाद मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 4 ही एलिमेंट्स मिल रहे हैं। एक्चुअली मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स को दिया था, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट्स है उसको वो एक ही बार प्रिंट कर रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये ऑर्डर नंबर्स नहीं लेगा, ऑर्डर एलिमेंट्स नहीं लेगा, तो ये रिपीटेड आइटम्स को एक ही बार प्रिंट करेगा। आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं, आपको सेट मिलेगा। तो ये था सेट। देखिए फ्रोजन सेट को मैं यहाँ पे ओमिट कर रहा हूँ, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे सेपरेट वीडियोज में। अब बात करते हैं रेंज के बारे में। तो रेंज हमें देगा एक इम्यूटेबल सीक्वेंस। इम्यूटेबल सीक्वेंस मतलब ये चेंज नहीं होगा, और ये सीक्वेंस रहेगा नंबर्स बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप।
तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, रेंज और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आपको देना है स्टार्ट, उसके बाद कॉमा करके देना है स्टॉप, और उसके बाद कॉमा करके देना है स्टेप। तो ये कैसे काम करता है हम प्रैक्टिकली देखेंगे। डिफॉल्ट स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 0 एंड स्टेप जो होता है डिफॉल्ट वो होता है 1। तो स्टार्ट एंड स्टेप ये ऑप्शनल है, आपको ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये लिखना ही है, लेकिन स्टॉप मैंडेटरी है, आपको स्टॉप को लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है रेंज ऑफ 0 to 11। तो जब भी मैं 0 to 11 देता हूँ तो 0 जो है ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा, 11 जो है ये स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने स्टेप को नहीं लिखा है, तो स्टेप जो है डिफॉल्ट वैल्यू उसकी रहती है 1। तो ये 0 से स्टार्ट होगा मतलब 0 प्रिंट करेगा, और स्टेप 1 है तो 1 से इंक्रीमेंट होगा 0, 1, 2 up to 10, तो नॉट इंक्लूडिंग 11। तो स्टॉप जो रहता है उसको ये इंक्लूड नहीं करता है, उसका एक कम होता है। देखिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फंक्शन के अंदर देता हूँ रेंज ऑफ 1 to 10 और इसे सेव करके रन करता हूँ। लेकिन जब भी मैं इसे रन करूँगा तो मुझे आउटपुट में कुछ अलग ही दिखाई देगा, ये जैसे मैंने लिखा है वैसा प्रिंट करके आ रहा है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा लिस्ट फंक्शन, तो आपको इसे लिस्ट फंक्शन के अंदर देना पड़ेगा। जब आप इसे लिस्ट फंक्शन के अंदर दोगे तो आपको तब जाके लिस्ट दिखाई देगी कुछ इस तरह। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रेंज फंक्शन के अंदर दिया था 1, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। अब जो स्टॉप है इसका वो है 10, तो 10-1 कितना होता है, 10 के पहली जो वैल्यू आती है वो है 9, तो ये 9 तक जाएगा और स्टॉप करेगा। और मैंने यहाँ पे दिया नहीं है स्टेप, तो स्टेप डिफॉल्ट होता है 1, तो यहाँ पे ये 1 से इंक्रीमेंट होगा मतलब 1 के बाद 2 उसके बाद 3, 4 up to 9। जब मैं यहाँ पे स्टेप चेंज करूँगा मैं देता हूँ 3, सेव करके अब रन करता हूँ, देखिए आउटपुट में क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 1, 4 and 7, तो 1 से स्टार्ट होगा 3 से इंक्रीमेंट होगा, 1+3 आएगा 4, तो मुझे दूसरा एलिमेंट मिलेगा 4, 4 में फिर से 3 ऐड हो जाएगा वो आएगा मुझे 7, उसमें फिर 3 ऐड हो जाएगा आएगा 10 नहीं आएगा क्योंकि ये स्टॉप है। तो 10 के पहले जो भी नंबर्स आएंगे उनको प्रिंट कर दिया जाएगा लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट वन इज नन। तो नन डेटा टाइप मीन्स एन ऑब्जेक्ट दैट डजंट कंटेन एनी वैल्यू, ये नल की तरह होता है, जैसे हम C++ में नल यूज करते हैं ना, बस ये उसी तरह होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं होता है तो वो नन टाइप का होता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो उस वेरिएबल को सिर्फ देना है नन, तो वो नन टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। नेक्स्ट डेटा टाइप इज बूल। तो ये बुलियन के लिए है। बुलियन में दो वैल्यूज होती है, एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। तो ये यूज किया जाता है टू डिटरमाइन गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज होता है, इसका यूज होता है कंडीशनल्स में। अगर वैल्यू ट्रू है तो वो नॉन जीरो है, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, याद रखिए। और जीरो जो होता है वो फॉल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए ट्रू का टी जो है वो कैपिटल है और फॉल्स का यह कैपिटल है, तो यहाँ पे मैंने ट्रू दिया है इस वेरिएबल को। चलिए बुलियन का कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं दूंगा ट्रू, सेव इट एंड रन, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा ट्रू। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे फॉल्स करता हूँ, फॉल्स करने के बाद आउटपुट में आएगा फॉल्स। ये देखिए फर्स्ट लेटर जो है आपको कैपिटल रखना है, जब मैं स्मॉल दूंगा तो मुझे एरर आएगा नेम एरर, तो ये सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका इंटेजर प्रिंट करता हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक इनबिल्ट फंक्शन इंट। इंटेजर ऑफ ट्रू होता है 1 और इंटेजर ऑफ फॉल्स आता है 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, तो ये पाइथन स्टेटमेंट है, इसका आउटपुट आपको बताना है। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और गेस कीजिए कि आउटपुट क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप फंक्शन को यूज किया है और उसके अंदर वैल्यू दिए 35, लेकिन 35 को मैंने लिखा है इन डबल कोट्स के अंदर, और हमें पता है कि जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं उसका डेटा टाइप होता है str, तो मुझे मिलेगा आउटपुट क्लास str। यहाँ पे क्वेश्चन 2 होना चाहिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। तो मैंने क्या किया,
ये एक सेट क्रिएट किया है और उसको असाइन कर दिया है ए वेरिएबल को, उसके बाद उसे प्रिंट किया है। तो गेस कीजिए आउटपुट क्या होगा। सेट के बारे में हमें एक बात पता है कि सेट रिपीटेड एलिमेंट्स को इग्नोर करता है, वो एक ही बार प्रिंट करता है। तो मैंने यहाँ पे रिपीट किया है और ये 3 को रिपीट किया है, तो इनको ये एक ही बार प्रिंट करेगा, तो मुझे मिलेगा 1, 2, 3 एंड 4। आपको डिफरेंट आउटपुट भी मिल सकता है क्योंकि ये ऑर्डर नहीं होता है। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है 1, 2, 3 एंड 4, ये थर्ड वाला। यहाँ पे क्वेश्चन 3 होना चाहिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, मैंने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, कुछ नंबर्स दिए हैं और उनको सेपरेट किया है दिस कॉमा। तो गेस कीजिए कि आउटपुट क्या आएगा। तो इसका आउटपुट आएगा कुछ इस तरह, सेकंड ऑप्शन। व्हाई? क्योंकि कॉमा प्रिंट फंक्शन के अंदर एक वाइट स्पेस की तरह काम करता है। जब भी हम कॉमा देते हैं तो वो वाइट स्पेस को प्रिंट करता है। तो 11, वाइट स्पेस 12, वाइट स्पेस 13, वाइट स्पेस 14, तो ये वाला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।